वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरंस बायजूज़ गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है हम चर्चा करेंगे घटनाओं को जो आज के दिन मार्च को घटित हुई थी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट एंड फैक्ट दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉलोड बाई समिस क्वेश्चन लेक्चर बेस्ड ऑन टूडेज डिस्कशन तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विद 1736 थर्टी नादर शाह द फाउंडर ऑफ अफशार डायनेस्टी इज क्राउन द ईरान अफशार वंश के संस्थापक नादर शाह को ईरान के शाह का ताज पहनाया जाता है नादर शाह अफशार डायनेस्टी को बिलोंग करते थे He was an ingenious military man who created a vast empire out of his sheer tactics and brilliant military reformations Afghanistan He was coronated the Shah of Iran on the eighth of march seventeen thirty six He invaded the Mughal Empire, eventually attacking Delhi in march seventeen thirty nine इसका बैकग्राउंड यह है कि इन द ईयर 1738 ही प्रोसीडेड टू इंडिया विद अ लार्ज आर्मी ऑफ 55,000 ही एंटर्ड इंडिया थ्रू द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड एडवांस्ड हिज़ फोर्सेस टुवर्ड्स द इंडस रिवर उनकी सेना ने करनाल की लड़ाई में मुगलों को आसानी से हरा दिया और आखिरकार लड़ाई के बाद मुगल राजधानी पर कब्जा कर लिया

1864 फेमस मराठी नोवलिस्ट प्रसिद्ध मराठी उपन्यासकार हरि नारायण आप्टे का जन्म हुआ था आज ही के दिनारायण आप्टे वॉज अ मराठी राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र रीजन ऑफ महाराष्ट्र आप्टे ने अपने हाई स्कूल और कॉलेज के दिनों में मराठी संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा

उन्होंने समकालीन समाज से संबंधित आठ उपन्यास और दस ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं ही इज द ऑथर ऑफ एट नॉवेल्स एंड टेन हिस्टोरिकल नॉवेल्स इन दर एटीन 1890, एट द एज ऑफ ट्वेंटी सिक्स आप्टे फाउंडेड एज कारा मानुक ही इज नोन फॉर हिज नॉवेल्स ऑन द कॉन्टेप्रेरी सोसाइटी थर्ड मार्च नाइनटीन में इनकी मृत्यु हो गई आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1953 फिफ्टी इंडियन पॉलिटिशियन इंडियन पोलिटिशियन वसुदराजे वो एक भारतीय राजनेता वसुंधरा राजे का जन्म हुआ था 8 मार्च 1953 में इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में शी बिलोंग्स टू द प्रोमिनेंट सिंधिया रॉयल मराठा फैमिली वो धोलपुर रॉयल फैमिली की हेड भी है और धोलपुर की एक्टिंग क्वीन भी है 1984 में इन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश किया था ऑल्सो रिमेंबर दैट वसुंधरा राजे वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान शी द द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये राजस्थान की तेरहवीं चीफ मिनिस्टर थी आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1955 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम जिमी जॉर्ज वाज बोर्न एक महानतम वॉलीबॉल खिलाड़ी जिमी जॉर्ज का जन्म हुआ था जिमी जॉर्ज का जन्म हुआ था 8 मार्च 1955 में इन में इनलास कनूर जिमी जॉर्ज का जन्म हुआ था 8 ऑफ मार्च 1955 में इन केरलास कनूर डिस्ट्रिक्ट ये भारत के मेंस नेशनल वॉलीबॉल टीम के मेंबर थे वॉलीबॉल इज अ टीम स्पोर्ट इन विच टू टीम्स ऑफ सिक्स प्लेयर्स आर सेपरेटेड बाय अ नेट Each team tries to score points by grounding a ball on other team's court under organized rules. Ek volleyball team 6 khiladiyon se bana hai. Coming back to Jimmy George. Jimmy played for India's national volleyball team in the Asian Games in Tehran in the year 1974, Bangkok in the year 1978 and Seoul in the year 1986. कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम प्लेयदी अरेबिया इन दर नाइन एंड लेट द इंडियन टीम टू विक्ट्री इन द इंडिया गोल्ड कप इंटरनेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट एट हैदराबाद इन दर नाइनटीन एटी सिक्स इक्कीस साल की उम्र में जिम्मी अर्जुना अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के वॉलीबॉल प्लेयर थे जीवी राजा अवॉर्ड इन दर से मनोरमा अवॉर्ड स्पोर्ट्स इन दर नाइनटीन सेवन जैसे की हमने डिस्कस किया इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इनकी थर्टी नवम्बर नाइनटीन एटी से इटली में, में बत्तीस की उम्र में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई वॉलीबॉल की बात हो ही रही है तो यह भी जान लेते हैं कि भारत के फेमस वॉलीबॉल प्लेयर्स कौन हैं। बलवंत सिंह रियाज अहमद अब्दुल बसित उदय कुमार टॉम जोसेफ आर सम ऑफ द फेमस इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर्स नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट अकर्ड ऑन दिस डेट दैट इज एथ ऑफ मार्च विच इज इंटरनेशनल वीमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑन द एथ ऑफ मार्च एवरी ईयर वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओवर The United Nations celebrated the International Women's Day for the first time on 8th of March 1975. संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था साल 1975 में और उस साल को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर घोषित किया गया था बट प्लीज नोट that the वेरी फर्स्ट डे फॉर women इन द modern era was इन द यूनाइटेड united ऑफ अमेरिका ऑन on february 28 1909 When the Socialist द of पार्टी ऑफ अमेरिका National अ नेशनल वीमेन्स डे ये दिन 1908 में न्यूयॉर्क में हुई गारमेंट वर्कर्स की हड़ताल के सम्मान में चिन्हित किया गया था 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित सोशलिस्ट इंटरनेशनल मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स ने हर साल एक दिन विमेंस डे के रूप में मनाने का डिसीजन लिया दिस वॉज टू सपोर्ट द मूवमेंट फॉर वुमेन्स राइट एंड यूनिवर्सल सफरेज मोर देन हंड्रेड वेमेन फ्राम सेवनटीन कंट्रीज टू पार्ट इन इट अलॉन्ग विदर्स्ट 3 वेमेन इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार और काम पर भेदभाव रोकने की मांग किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डे वॉज इन रशिया ऑन द लास्ट संडे इन द मंथ ऑफ फेब्रुरी दिस वॉज ऑल्सो सीन एज अ मूवमेंट फॉर पीस फॉर मेनी ईयर्स वुमेन्स डे वॉज बींग सेबरेटेड चीफली बाई कॉम्युनिस्ट कंट्रीज Then in the year 1975, the United Nations declared the year of International Women's Year. From that year onwards, every year 8th of March is celebrated as International Women's Day. अब ये भी फैक्ट याद रख लीजिएगा कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड 19 वर्ल्ड अब डिस्कस करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नोट दैट ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक्स वी डिस्कस टुडे। अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए प्लीज राइट द करेक्ट आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन विच ईयर वॉज डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन एज इंटरनेशनल वेमेन्स ईयर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975 या ऑप्शन 1995। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर ऑफ़ द फॉलोइंग गेम्स इज जिमी जॉर्ज एसोसिएटेड विद जिमी जॉर्ज निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है ऑप्शन ए फुटबॉल ऑप्शन बी बास्केटबॉल ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी वॉलीबॉल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री हरि नारायण आप्टे हिस्टोरिकल नॉवेल वाग इज बेस्ड ऑन नारायण आप्टे का ऐतिहासिक उपन्यास मैसूराचा वाघ निम्नलिखित में से किस पर आधारित है ऑप्शन ए हैदर अली ऑप्शन बी टिप्पू सुल्तान ऑप्शन सी जय चाम वोडेयर या ऑप्शन डी कृष्ण राजा वोडेयर द ऑप्शन डी बारह क्वेश्चन नंबर फाइव विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वीमेन्स डे किस दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है ऑप्शन ए एक मई ऑप्शन बी आठ मार्च ऑप्शन सी एक दिसंबर या ऑप्शन डी सात मार्च विद दिस क्वेश्चन कम द एंड ऑफ डिस्कशन अगर आपने डिस्कशन को ध्यान से सुना होगा तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो इफ यू डू लाइक दिस सेशन इस वीडियो को लाइक like करे और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करे कल फिर से मुलाकात होगी विथ मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग